Hey guys, welcome to my channel, That's Kala Girl, और मैं हूं कांक्षा। आज की इस वीडियो में पिछले 4-5 महीने में मैंने जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट खत्म किए हैं तो वो ही सारे के सारे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को हेल्प होती है। उन्हें ये पता चलता है कि कौन से प्रोडक्ट मैं पर्सनली यूज करती हूँ और कौन से प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर्ड है। तो गाइज, मैं बताना चाहूंगी आपको कि मैं मोस्टली प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करती हूँ ना, जिनका और पॉजिटिव रिव्यू शेयर करती हूँ इन पर्टिकुलर, वो प्रोडक्ट्स मैं पर्सनली यूज भी करती हूँ। हाँ, मैं इस टाइप की एम्प्टी काइंड ऑफ वीडियोज जल्दी जल्दी नहीं बना पाती क्योंकि इतना मुझे टाइम नहीं मिलता। मेरी 9 to 5 जॉब भी है, तो उसके अलावा जो टाइम मुझे बचता है उसमें ही मैं आपके साथ मेरा रिव्यूज और ये सब शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट से। इन प्रोडक्ट में कोई ऑर्डर नहीं है, मैंने अपने सामने डब्बा भर के रखा है। जो प्रोडक्ट मैंने अभी रिसेंटली फिनिश किए हैं तो मैं 1 by 1 इसमें से निकालूंगी और आपको उसका थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताऊंगी, आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर मुझे वो बहुत अच्छा लगा आपको ट्राई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला प्रोडक्ट है द डर्माकोकी 2% सीका ग्लो डेली फेस वॉश, जो कि मैंने खत्म कर दिया और आई गेस ये मेरी थर्ड ट्यूब थी जो मैंने फिनिश की है। और फिलहाल मैं द डर्माकोका पोर मिनिमाइजिंग ग्रीन क्ले फ्रेंच फेस वॉश यूज कर रही हूँ, वो भी मेरा सेकेंड चल रहा है। इसके अलावा मैंने डॉट एंड की का ये बैरियर रिपेयर रेंज जो इनकी आई थी, इसका ये वाला फेस वॉश खत्म कर दिया। इसका अनफॉर्चुनेटली मैं आपके साथ रिव्यू नहीं शेयर कर पाई, इसका रिव्यू मैं कोशिश करूंगी जल्दी शेयर करने का। लेकिन ये फेस वॉश मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अगर आपको टेक्सचर्ड स्किन की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आपको भी अपने बैरियर्स को रिपेयर करना है, तो सेरामाइड वाले मॉइस्चराइजर के साथ साथ आप ये वाला फेस वॉश भी अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं। सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है इंक्लूडिंग सेंसिटिव स्किन। आपको ओपन पोर्स वगैरह की प्रॉब्लम है, सबके पे बहुत अच्छे से काम करता है। देन ये आयुगा का चंदनम एंड रोज वाटर फेस विश, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टोनर है। ये मेरी थर्ड बॉटल थी जो अभी खत्म हो गई है। अभी फिलहाल मैं TNW का रोज वाटर यूज कर रही हूँ और प्लम का मैं नासिनेमाइड वाला टोनर यूज कर रही हूँ। ये मैंने ऑर्डर कर दिया है तो इसे मैं जल्दी ही जब भी आ जाएगा तो इसे यूज करना स्टार्ट करूंगी। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। देन मेरे पास है नेक्स्ट डॉक्टर शेड की सेरामाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन। ये मेरी सेकेंड सनस्क्रीन है जो मैंने इस ब्रांड की यूज़ की है, विटामिन एंड सेरामाइड वाली। अभी मेरी फिलहाल इनकी जो हल्दी हेलोरॉनिक एसिड वाली सनस्क्रीन है वो थोड़ी सी बची है, वो भी फिनिश होने वाली है, लेकिन मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी थी उस वाली से। मैंने इसकी कंपैरिजन वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, तो अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। देन मैंने पिलग्रिम का 25% AHA, 2% BHA, 5% PHA पीलिंग सॉल्यूशन, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, ये मैंने ख़त्म किया है। फिलहाल मैं मिनिमलिस्ट और द डर्माको वाला यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने प्लम वाला भी ख़त्म किया है, उसकी बॉटल मेरे पास फिलहाल नहीं है। तो बेस्ट पीलिंग सॉल्यूशन पे आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने अलग अलग पीलिंग सॉल्यूशन बताया और ये भी बताया कि कौन सी स्किन टाइप और स्किन कैटेगरी वाले लोगों को कौन सी ब्रांड का यूज़ करना चाहिए, अगर आप बिगिनर हैं तो कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी। देन ये द डर्माको का 1% सैलिसिलिक एसिड डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश, ये मेरा फिनिश हुआ था और अभी मैं इनका विटामिन सी वाला यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ साथ कभी कभी मैं इनका कोजिक एसिड वाले सोप आए हैं, कभी कभी मैं वो भी यूज़ करती हूँ। उनका मैं रिव्यू आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, जल्दी ही शेयर करूँगी। देन ये क्लेयर्स का 3% विटामिन सी सीरम, ये अभी मेरी सेकेंड बॉटल अभी चल रही है। मैंने इसे ख़त्म करने के बाद मैंने द ऑर्डिनरी वाला विटामिन सी लिया था जो मेरा ख़त्म हो गया है, उसकी बॉटल आई डोंट नो इसमें मैं रखना भूल गई, हाँ तो वो ख़त्म हो गया। उसके बाद वापस से मैंने क्लेयर्स वाला लिया क्योंकि मुझे द ऑर्डिनरी वाले से ज़्यादा क्लेयर्स वाला पसंद आया है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इसे रीपर्चेस किया, द ऑर्डिनरी वाले को मैंने रीपर्चेस नहीं किया। देन मैंने हाँ रिसेंटली ये बायोडर्मा वाला ये ब्लू वाला फेस वॉश ख़त्म किया। इसे मैंने
करीब 6-7 महीने हो गए थे इसे यूज़ करते हुए, तब जाके ख़त्म हुआ। क्योंकि मैं 3 अलग अलग टाइम अलग अलग फेस वॉशेस यूज़ करती हूँ, मैंने आपको बताया भी था कई बार, जब भी मैं अपनी स्किन केयर रूटीन वाली वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ ना, तब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप अलग अलग टाइम पे स्किन केयर रूटीन अलग अलग यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं ना, उस तरीके से अगर आप फेस वॉश भी अलग अलग टाइम पे अपनी अलग अलग स्किन कंडीशन के हिसाब से फेस वॉश भी यूज़ करेंगे ना, तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। देन मैंने डॉट एंड गी का सीका कामिंग ब्लैमिश क्लियरिंग फेस वॉश भी खत्म किया, इसमें कुछ नहीं अभी, ये मैंने दूसरी बॉटल इसकी खत्म की, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मतलब जितने भी प्रोडक्ट मैंने खत्म किया ना, वो मेरे पर्सनल फेवरेट है, मतलब आई मस्ट से, अदरवाइज तो मैं 8-10 दिन यूज करती हूँ, उसके बाद बीच में छोड़ देती हूँ। डॉट एंड गी के अगर आपको प्रोडक्ट लेने का मन है इनमें से कोई भी, तो आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हैं, तो आपको 10% ऑफ फ्लैट उस पर अवेल करने मिल जाएगा। और हाँ, ये डी कंस्ट्रक्ट की जेल सनस्क्रीन, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी यार, ये गर्मियों के लिए परफेक्ट ऑप्शन, अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो ये कंप्लीट आपको मैट फिनिश देती है, काफ़ी हद तक ये ऑयल को कंट्रोल करके रखती है। जैसे कि बहुत सारी सनस्क्रीन होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डॉक्टर शेड वाली भी है, जब आप इसे लगाते हो ना तो ये आपको डूई फिनिश देती है, लेकिन गर्मियों में जब बहुत गर्मी और ह्यूमिडिटी होती है ना, तब आपको चिपचिप और इस टाइप को पसंद नहीं होता, मतलब कि आपका चेहरा चमकता रहे, ऑयली फीलिंग आए उस पर, क्योंकि गर्मी की वजह से ऑयली स्किन वालों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे आप कितनी भी अच्छे से अच्छी सनस्क्रीन क्यों नहीं यूज़ करें। तो ये आपके पास अच्छा ऑप्शन है, ये आप ट्राई कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये खाली बॉटल रखी है संभाल के आपको रिकमेंड करने के लिए। देन ऑब्वियसली प्लम का हेलोरॉनिक एसिड सीरम, इसकी तो मैंने कितनी बॉटल ख़त्म कर ली है मुझे भी याद नहीं है, अभी भी ये 2 मेरे पास हैं, एक मैं यूज़ कर रही हूँ एज यूजल। देन प्लम का ये फ्रेग्रेंस फ्री ग्रीन टी वाला ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, ये मेरा पर्सनल फेवरेट मॉइस्चराइजर है, लेकिन हाँ अभी इसकी जगह ले ली है द ऑर्डिनरी के, लेट मी जस्ट सी, हाँ ये वाले मॉइस्चराइजर में, ये गाइस ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, इसे मैं डेली यूज़ कर रही हूँ मॉर्निंग में, ये ख़त्म हो गया और अभी मेरे पास नई बॉटल भी इसकी मुझे मिल गई है, मतलब मैंने खुद ख़रीदा है, किसी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, द ऑर्डिनरी तो मुझे स्पॉन्सर नहीं करेगा, तो ये एक मॉइस्चराइजर है जिसे मैंने ये प्लम वाले की जगह मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसमें आपको हिलोरॉनिक एसिड मिल रहा है, इसमें आपको सेरामाइड मिल रहा है, मतलब सारे सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट इसमें हैं जो आपकी स्किन बैरियर्स को रिपेयर करने में हेल्प करेंगे, आपको हेल्दी और हाइड्रेटिंग स्किन देंगे, इसमें कोई एक्टिव नहीं है एज सच, इसमें सिर्फ हिलोरॉनिक एसिड है, तो ये एक मॉइस्चराइजर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, इसे ब्लेंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत जल्दी मैं इसका इंडिविजुअल रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। देन ऑब्वियसली अगर रेटिनॉल की बात आती है तो मैं केमिस्ट रेटक्ले को कैसे भूल सकती हूँ, उसकी ये पता नहीं 3rd या 4th कितनी बॉटल मैंने ख़त्म कर दी है। तो केमिस्ट रेटक्ले का ये सेरामाइड वाला रेटिनॉल सीरम मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही थी, लेकिन फिलहाल मैं द ऑर्डिनरी का करती हूँ, लेकिन द ऑर्डिनरी का मुझे ओके काइंड ऑफ लगा, उसके बाद वापस से मैं इस पर स्विच कर जाऊंगी क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। देन सेरामाइड वाले मॉइस्चराइजर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैंने ये मिनिमलिस्ट वाला फिनिश किया है, इसका भी इंडिविजुअल रिव्यू आई गेस मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो ये खत्म हो गया, इसे मैं रात में यूज़ करती थी रेटिनॉल के बाद। देन ये द डर्माको का 4% सेरामाइड कॉम्प्लेक्स फेस क्रीम, ये तो मैंने कितनी बॉटल ख़त्म किए हैं मुझे भी कोई काउंट नहीं है, क्योंकि सबसे पहले सेरामाइड वाला यही मॉइस्चराइजर मार्केट में आया था और 1 साल करीब मैंने सिर्फ और सिर्फ इसे यूज़ किया, उसके बाद जब नए नए आ गए ना सेरामाइड वाले तो मैंने बदलना शुरू किया। डॉट एंड की का सेरामाइड मॉइस्चराइजर अभी मेरा चल रहा है तो वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो ये जो डॉट एंड की वाला है वो मैं रात में यूज़ करती हूँ। देन उसके बाद हाँ ये 5% द डर्माको का सीका ग्लो डेली फेस मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है, अगर आपको थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है, तो आप ये वाला मॉइस्चराइजर ट्राई कर सकते हैं। मैं इसे शाम में यूज़ करती हूँ जनरली ये हेयरॉनिक एसिड सीरम के बाद। इसके अलावा ये है एक प्रोडक्ट, ये है डॉट एंड की का सीका कामिंग मॉइस्चराइजर, इसकी मैंने 2 बॉटल ख़त्म कर दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी मैं इन बॉटल्स को जो ओपनेबल टब वाली पैकेजिंग में आती है ना, उन बॉटल्स में मैं अपने छोटे छोटे मसाले रख लेती हूँ, तो इसमें मसाला रखा हुआ है। देन मैंने अभी रिसेंटली ये फिनिश किया है द डर्माको का 1% सैलिसिलिक एसिड प्लस हेलोरॉनिक एसिड नाइट रिपेयर जेल, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो ये मैंने फिनिश किया और इसमें अभी मैंने कुछ रखा है। देन अभी भी मैं ये यूज़ कर रही हूँ और ये मैंने फिनिश भी कर दिया है, ये है प्लम का नासिनेमाइड 3% टोनर, अभी 1 बॉटल मेरी चल रही है, ये है पहली वाली जो उससे पहले ख़त्म हुई थी और इसमें मैंने मेथी भर दी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन
एक्वालॉजिका की हाइड्रेट प्लस रेंज का ये जेलो मॉइस्चराइजर, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और गर्मियों में यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक परफेक्ट ऑप्शन है। उसके अलावा मैंने आयुगा का ये 5% चंदनम लाइट फेस मॉइस्चराइजर यूज़ किया, ये भी मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो इसमें भी आई गेस ब्लैक पेपर मैंने भर के रखा है। तो इस तरीके से मैं जो रीयूज होने वाले मेरे एम्प्टीज हैं उन्हें मैं रीयूज कर लेती हूँ। और हाँ, मैंने ये कपिवा का एप्पल साइडर विनेगर प्लस हनी वाली बॉटल ख़त्म की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कपिवा ने आई गेस ये वाला प्रोडक्ट अब मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया। अदरवाइज तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एप्पल साइडर विनेगर में से एक था, तो ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अगर आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर मिलता है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको ये कहीं पर भी दिखाई दे। तो एज सच अभी तो मेरे बॉक्स में सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा भी मैंने बीच बीच में कई सारे टोनर और भी ख़त्म किए थे, और हाँ शैम्पू वगैरह भी मैंने कई ख़त्म किया है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट, ये जो वीडियो है, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मेरे स्किन केयर एम्प्टीज शेयर करना चाहती थी। या मुझे लगता है कि आपको पता चला होगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं। तो ये सारे के सारे ब्रांड्स जो जिनके रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, उन सारे के सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, और कितने सारे प्रोडक्ट तो मैंने ख़त्म भी कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, थोड़ा फ़ायदा हुआ होगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू, बाय बाय।